नमस्कार, सुरागिला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। 14 सितंबर को हल्द्वानी में महाक्रोश रैली में गर्जेंगे युवा। बीडीए ने किया कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर का निरीक्षण। हल्द्वानी में व्यापारी भूख हड़ताल को तैयार। रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर और कारवट ने किया अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने ट्रांसपोर्ट नगर के ढाबे में पकड़ा शराब का जखीरा। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड युवा एकता मंच से जुड़े युवाओं ने एकजुट होकर 14 सितंबर को हल्द्वानी में युवा महा आक्रोश रैली निकालने की बात कही, जिसमें प्रदेश भर के युवा एकजुट होकर धामी सरकार से भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग करेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अधिकारी, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज। हम इस टाइम पर गए तिकोनिया में बुद्ध पार्क में, जहां जन आक्रोश को लेकर, जहां पे बच्चे रैली निकालने वाले हैं, जिसको लेकर किस प्रकार की आप लोगों की रैली निकलने वाले जन आक्रोश 14 तारीख को। जी देखिए, हमारी रैली सिर्फ अभी एक मुद्दे को लेकर है कि जो यूके ट्रिपल एससी में धांधली हमारे सामने आई है पूरे प्रदेश भर में, उसको लेके कि उससे रिलेटेड हमारे प्रदेश में सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाकम सिंह जैसे लोग जो भाजपा के हर नेता के साथ जिसकी तस्वीर है, तो हम इससे साफ प्रदर्शित होता है कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, किन बड़े नेताओं का हाथ इनमें शामिल है, किस पार्टी के वो लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि इसे सीबीआई जांच हो और वो सभी लोग पकड़ में आएँ जिन्होंने नौकरियां बेची हैं, जिन्होंने नौकरियां पैसे लेके भ्रष्टाचार पूरा फैलाया है इस प्रदेश में और हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ इतना बुरा सलूक किया है कि आज अपनी डिग्रियां तक फाड़ने की उनकी नौबत आ गई है और आज वो लोग पूरा डिप्रेस्ड हो चुके हैं जिन्होंने मेहनत की हुई थी। तो देख सकते हैं किस प्रकार युवा यहाँ पे आक्रोशित दिखाई दे रहा है भर्तियों को लेके। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा और हैं, हम उनसे बात करने जाए। भैया, किस प्रकार की जो आपकी आज ये 14 तारीख को एक युवाओं की एक रैली निकलने है, ये किसी राजनीति दल की झंडा उसके तहत होगी या क्या रहेगा? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह रैली ना कोई राजनीतिक रैली है, ना ही राजनीतिक आदमियों की रैली है। यह रैली उत्तराखंड के युवाओं की आवाज़ की रैली है। हमने इसको नाम दिया है उत्तराखंड युवा एकता मंच। और यह जो मंच है, इसमें हमने सारे कुमाऊं के, क्योंकि गढ़वाल जोन की रैली हो चुकी है और हमने सभी कुमाऊं के लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। इसमें हल्द्वानी से मीमांसा जी, सैलेन सिंह गानू, रामनगर से तेजेश्वर भुगतियाल, राहुल नेगी, कमल फुलारा, काशीपुर से इसमें गगन काम्बोज और कोटाबाग से मैं खुद हूँ राहुल पंत, और काफ़ी सारे हमने अभी नैनीताल जिले से लेकर अल्मोड़ा से लेकर पिथौरागढ़ से सभी युवाओं से बातचीत करने की कोशिश की है। क्योंकि ये किसी एक मेरी लड़ाई या आपकी लड़ाई नहीं है, या उत्तराखंड के हर उस युवा की लड़ाई है कि जो एंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कर रहा है। आज आप देख सकते हैं कि 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए और इतने सारे एग्ज़ाम निकले, और हाकम सिंह जैसों ने मुझे लगता है कि लाखों लोगों को अब तक लगा भी दिया होगा। और अब जाके ये जाँच हुई है, जाँच आप देख सकते हैं एसटीएफ कर रही है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। अब जब राज्य सरकार के अंतर्गत जो एजेंसी आती है, आप कैसे मान सकते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करेगी, जब इसके तार दूसरे राज्यों से जुड़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब एसटीएफ इसमें जांच, और अभी तक आप देख सकते हैं कि हाकम सिंह एक छोटे से जिला पंचायत सदस्य हैं। बात करी जाए सभी राजनीतिक दलों की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा, हर किसी ने अपने ही रिश्तेदारों को इन भर्तियों में यहाँ पे जगह दिलवाई, लेकिन आज युवा खुद सक्रिय हो गया है इन मामलों को लेकर, जहाँ हकम जी जैसे मछलियाँ पकड़ी जा रही, लेकिन इनके हाथ बड़ी मछलियों तक नहीं पहुँच पा रहे। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि जो हाकम सिंह जैसे लोग हैं, क्योंकि एक जिला पंचायत सदस्य यूके ट्रिपल एससी का अभेद किले को भेद नहीं सकता है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी मछली है। क्योंकि यह खेल पता नहीं कितने वर्ष से चल रहा है और हाकम सिंह जैसों ने कितने लोगों को नियुक्ति पर लगा दिया है। तो मेरा मानना यह है कि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बना था, उसके बाद से जितनी भी भर्ती अभी तक हुई है, सारी भर्तियों की जांच की जाए और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। तो देख सकते हैं युवाओं में कितना आक्रोश है भर्तियों को लेके, क्योंकि इस टाइम पे युवा सबसे ज्यादा पीड़ित है, युवा बेरोजगार है। दीपक अधिकारी, सुरागी लाल से हल्द्वानी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। जसपुर कृषि उत्पादन मंडी का निर्मला बिस्ट डीडीए कृषि उत्पादन मंडी समिति उधम सिंह नगर ने निरीक्षण किया, जहां मंडी में साफ सफाई और मंडी की दुकानों के आवंटन और रास्ते को लेकर मंडी सचिव जसपुर को दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
ये आज प्रातःकाली हमारे यहाँ मंडी समिति जसपुर की मंडी का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई हैं उसका एक विस्तृत नोट तैयार किया जा रहा है और मौके पर सचिव भी उपस्थित थी हमारे साथ। तो जो जो कमियां जैसे सफाई को लेकर है या वकीलों के चैम्बर्स, हमने देखा कि जगह जगह पर अनियमित तरीके से और अनियोजित तरीके से बने हुए हैं, तो उनके लिए भी संबंधित विभागों से संपर्क करके एक प्रॉपर वे में उन्हें एक जगह पर बैठाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो आवंटन को लेकर है उसके संबंध में समाधान निकाला जा रहा है। फड़ आवंटन को लेकर कई व्यापारी मिले थे तो उसके संबंध में भी उन्हें समाधान निकाल के हम लोग उनको जो भी जिस प्रकार से भी उनके व्यापार पर मतलब प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े वो हम रास्ता निकाल रहे हैं। साथ ही साथ सफाई को लेकर, अतिक्रमण को लेकर समस्याएं थी व्यापारी की, वो लोग आए हुए थे तो उसको लेकर भी समाधान बता दिया गया सचिव को कि कूड़ा निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था करें, सफाई के लिए नगर पालिका से समन्वय करके जो डंपिंग की समस्या यहाँ पर है तो उसके संबंध में एक MOU ये नगर पालिका के साथ करेंगे और उसके माध्यम से कूड़ा निस्तारण किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी समस्याएं शेष हैं ऑफिस का निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी इसमें कमियां पाई जाएंगी उसको सुधार के लिए निरीक्षण नोट जारी किया जाएगा। काशीपुर के नगर निगम कार्यालय में खालसा फाउंडेशन के प्रवक्ता जगमोहन सिंह उर्फ बंटी और ठेकेदार के बीच हुए विवाद के बाद अब दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया है। संवाददाता नितिन बोहरा की रिपोर्ट। मैं इनसे ये चाहते, ये मेरे पिता तुल्य हैं, मैं ये मुझसे माफी मांग, मैं चाहते हैं कि मुझसे आपने इतना बड़ा मान सम्मान दे दिया वादी कदम, बहुत बड़ी बात, आपने इतना बड़ा मान सम्मान दे दिया, आपका बड़प्पन है वादी कदम, वादी कदम, बहुत बड़ी बात। शनि बाजार को ठेके पर देने के विरोध में व्यापारियों का धरना प्रदर्शन बुद्ध पार्क में जारी है। धरना स्थल पर डटे व्यापारियों ने इस सप्ताह भी बाजार का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। व्यापारियों का कहना है कि अगर निगम प्रशासन से बाजार को ठेके में देने का फैसला नहीं बदला तो वह भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल बारी तुम, आपने जैसे बताया कि कोई समर्थन नहीं हो रहा, देखो कमजोर के साथ तो बड़े लोग कहाँ से आ जाएंगे, वे कमज़ोर के साथ अगर बड़े लोग आएंगे तो समर्थन खुद ब खुद हो जाएगा, वे कमज़ोर के साथ मजबूत लोग आते नहीं हैं तो इसलिए आवाज़ उनकी दबके रह जाती है। अब चंद सामाजिक लोग आ जाते हैं, अब ये समझ लीजिए 7-7 रुपये का कोई पीस बेचेगा वहाँ पे तो 10-12 अगर पीस उसके बिक गए तो भाई 300-250 रुपये कहाँ से उठा लेगा वो, अगर शाम तक बारिश हो गई तो कहाँ से उसकी बारिश में कहाँ से पैसा आएगा उसके, बताओ। 33 रुपये की चप्पलें बेच रहे हैं लोग वहाँ पर बैठे हुए, ये लोग अपनी दुकान लगावे ना एक दफ़े, जो लोग ये इस तरीके का गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये एक दफ़े अपनी दुकान लगावे ना, क्यों पता लगेगा 300 रुपये की बिक्री हमने शाम तक उठाई नहीं उठाई। और ये तो उनको पता है ना, बेचारे बाहर से आ रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो बेचारे अपने बच्चों को रोजी रोटी के लिए आ रहे हैं, 7-7 रुपये का 8-8 रुपये कट पीस के पीस बेच रहे हैं। आपका नाम? उन बेचारों का कहाँ से पूरा होगा ये बताइए, आपका नाम? गरीबों की आवाज़ कौन उठाएगा? अबरार मंजर शायर। देखिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और 10-15 दिन बाहर था, मुझे मालूम हुआ ये 1.25 महीने से ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं नगर निगम के ठगे के विरोध में। इनकी 20 रुपये की पर्ची कटती थी, जो अब 200 रुपये की पर्ची नगर निगम काटने के लिए तैयारी में बैठा है, तो ये चीज़ हम होने नहीं देंगे। तो जैसे मुझे मालूम हुआ है तो मैं आज फ़ौरन इन लोगों के पास आया हूँ अपना समर्थन करने और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं तैयार हूँ, खड़ा कर हूँ, जहाँ इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने ही पड़ेगा तो मैं इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ और नगर निगम के लिए हम पूरा जो है पूरा जवाब देंगे। और ये जो नगर निगम ने गुंडागर्दी दिखा रखी है ना, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, मैं इनके लिए आगे तक रहूँगा और ये अगर लगा मौका, अगर ऐसा यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवाज़ भी कुछ करेंगे हम देहरादून आगे भी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल बारी, सामाजिक कार्यकर्ता। जी नगर निगम तो यहाँ तक उतरा हुआ है कि हमारा जो ये पंडाल लगा हुआ है, हम यहाँ पर आए, आने के बाद में हमने जो है यहाँ पर धरने में हम बैठे, दूसरे दिन को हमारी जो है यहाँ लाइट काट दी और हम अंधेरे में रहे, मगर हम यहाँ से हट के नहीं गए। फिर उसके बाद में जो है हमने जो है कहा, सुमित हरदे जी हमारे जो विधायक हैं उनसे हमने कहा कि साहब हमारी लाइट भी काट दी, तो उन्होंने जो है 8,000 रुपये लगा करके जो हमें यहाँ लाइट मिली है, मैं आपको बताऊँ। और हमें जो समर्थन मिला है, सुमित हरदे जी ने समर्थन दिया हमें और कांग्रेस के जो राहुल चिनवाल जी हैं उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है और सुहेल सिद्दीकी साहब ने भी दिया है हमें समर्थन और जो है अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब ने भी हमें समर्थन दिया है और कई राजनेता हैं जो उन्हें समर्थन, आज हमारे बड़े भाई बारी साहब आए हैं, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और जो है ये हमारे आए हैं कंधे कंधे मिला के जो है ये गरीबों की आवाज़ बनेंगे और गरीबों का भला होगा,
होगा तो इनको जो है सवाब भी मिलेगा और जो है दुआएं भी मिलेंगी। रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर और कॉर्बेट ने नेशनल बिल्डर्स अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया, जिसमें 51 शिक्षकों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेयर उषा चौधरी और खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत सिंह नेगी ने भी वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्षता डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय ने सभी का स्वागत किया और कहा कि शिक्षक किसी भी व्यक्ति के जीवन में हमेशा महत्व रखते हैं। हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित एक ढाबे में सिटी मजिस्ट्रेट ने देशी शराब के 48 पौवे जब्त की और साथ ही दो घरेलू सिलेंडर भी कब्जे में ले लिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज। हम इस टाइम पे खड़े हैं ट्रांसपोर्ट नगर में, जहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा छापेमारी करी गई और छापेमारी के बाद यहाँ पे शराब और सिलेंडर पकड़े गए। मैडम, क्या मामला था यहाँ पे? जो लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा, विभागीय अधिकारियों के द्वारा लगातार छापे भी पड़ा, लेकिन आज आपके द्वारा जहाँ पे छापा मारा गया और कुछ मात्रा में पे शराब प्राप्त की। देखिए, लगातार पुलिस हो या आबकारी की टीम हो, जगह जगह छापे मारती रहती है और ट्रांसपोर्ट नगर भी में भी मुझे लगातार शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर एक जो चाय और ऐसे ढाबे के नाम पर जो ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है, इसमें ये शराब बेच रहे हैं। तो आज जब मैंने यहाँ कस्बी निरीक्षण किया तो जहाँ पे गल्ला ये लोग रखते हैं, जो पैसे रखते हैं, वहाँ पे एक सुराख जैसा बना के इसने बोतलें छुपाई हुई थी। 44 के लगभग बोतल्स यहाँ पे हमें कच्ची शराब की मिली है, उसे सील कर दिया गया है। उस व्यक्ति को अभी फ़िलहाल जो है पकड़ लिया गया है। और इसके अलावा इस दुकान में चूँकि तीसरी बार इस तरीके से शराब की बोतल्स बरामद हुई हैं और शराब बेचने की शिकायत आई है, इसलिए इसको अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया गया है। वहीं मैडम, जो शराब की जो कारोबारी है उनके अंदर प्रशासन का दहशत भी खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं वो एक बार तो वो गुनाह करते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा तिबारा चौबारा लगातार वो वही घटना बार बार करते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं उठता। सवाल ये उठता है कि आबकारी और पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ था कि आज आपके द्वारा एक औचक निरीक्षण किया गया, उसके यहाँ पर शराब प्राप्त की गई। देखिए, लगातार जो अपराध होता है वो चूँकि अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है, वो बार बार अपराध करने के लिए खुद ही जागरूक होता है, उसका डर जरूर खत्म होता है, लेकिन इस तरीके की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल अवश्य तोड़ेगी। टीम को भी लगातार कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है। आबकारी इंस्पेक्टर को बोल दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट नगर में विशेष रूप से, चूँकि यहाँ ट्रांसपोर्टर्स भी आते हैं, बाहर से भी गाड़ियाँ आती हैं, विशेष रूप से सख्ती करें। ट्रांसपोर्ट नगर जो चौकी इंचार्ज हैं उनको भी इस बारे में निर्देशित किया गया है। तो हमारी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और निश्चित ही इस पर अंकुश लगेगा। मैडम, बात करी जाए पॉलिथीन को लेकर, आपके द्वारा इससे पहले भी पॉलिथीन को लेकर लगातार बयान चलाया जा रहा था। रिलायंस मॉल में, रिलायंस मेगा मार्ट में भी आपके द्वारा पॉलिथीन पकड़ी गई थी, क्या अभी पॉलिथीन का जखीरा और मिलना बाकी है? क्योंकि लगातार जो बच्चों के द्वारा जो पॉलिथीन व्यवसायी हैं वो बच्चों के द्वारा व्यापार कर रहे हैं आगे। देखिए, जो लगातार छापे मारे जा रहे हैं वो इसलिए मारे जा रहे हैं कि लोगों में थोड़ा डर हो कि आकस्मिक निरीक्षण भी हो सकते हैं, और पॉलिथीन भी चूँकि पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो चुका है तो निश्चित ही उस पर भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ हम लोग बड़े गोदाम जो लोगों ने चोरी से रखे हैं उनको भी हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं और निश्चित ही उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट नगर में आज छापेमारी करी गई, लेकिन सवाल ये नहीं उठता। सवाल ये उठता है कि जो पुलिस प्रशासन है और आबकारी टीम है वो कहाँ सोई हुई थी अभी तक? क्योंकि जब सिटी मजिस्ट्रेट रिचा मैडम ने यहाँ पे खुद निरीक्षण किया, उनके द्वारा यहाँ पे आज शराब प्राप्त मिली है। दीपक अधिकारी, सुरागी लाल से हल्द्वानी। अल्मोड़ा में सोमेश्वर पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने व उत्पाद मचाने पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनकी कार सीज कर दी है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।